हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, 26 मार्च से शुरू हुए भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 6 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों दियात लावा के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों मित्र शक्ति 6 युद्ध अभ्यास का आयोजन दोस्तों, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच का युद्ध अभ्यास है दोस्तों, और कब हो रहा है दोस्तों, 26 मार्च को दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26 मार्च को धनुष टॉप बोले दोस्तों आर्टिलरी गन को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, यह किस देश के द्वारा निर्मित की गई दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत के द्वारा निर्मित की गई धनुष तोप है दोस्तों, जिसे कि अभी शामिल किया गया दोस्तों सेना के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही जारी एशियन रिच लिस्ट 2019 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारतीय मूल का जो हिंदुजा परिवार है उसे दोस्तों एशियन रिच लिस्ट 2019 में शामिल किया गया दोस्तों, और इसे पहला स्थान भी मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेंगकावी मलेशिया में आयोजित होने वाले लीमा 19 नामक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में भारत का कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है। तो INS कदमत हिस्सा ले रहा है दोस्तों। कहाँ पर हिस्सा ले रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वीन ऑफ फोक अवार्ड से सम्मानित अनुसूर्या देवी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। दोस्तों ये एक लोक कलाकार थी दोस्तों, और इनका क्या नाम है दोस्तों, अनुसूर्या देवी, जिसका अभी निधन हो गया दोस्तों। किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। तो दोस्तों पंजाब जो राज्य है उसने घोषित किया दोस्तों, जो सिंधु नदी के अंदर दोस्तों जो डॉल्फिन मछली पाई जाती है दोस्तों, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही चिनुक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चिनुक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड मैं सारे ही आपको कथन पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। तो पहला कथन है, इसका निर्माण अमेरिकी बोइंग कंपनी द्वारा किया गया है। सेकेंड है दोस्तों, यह मल्टी रोटर वाला हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। थर्ड ऑप्शन है, भारत ने 15 चिनुक और 12 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए लगभग $3 बिलियन का समझौता किया था दोस्तों। दोस्तों चिनुक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड ये सारे ही कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिंच ने अगले वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पेश किया है, जिसमें भारत की अनुमानित विकास दर कितनी बताई गई है। तो भारत की अनुमानित विकास दर दोस्तों 6.9% बताई गई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही IPL मैच में अश्विन मोगडिंग के कारण आलोचना के शिकार हुए, यह क्या है दोस्तों। तो रनआउट का जो प्रकार है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मोगडिंग, जिसके कारण दोस्तों अश्विन आलोचना का शिकार हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 अप्रैल से शुरू हो रहा OC इंडेक्स 19 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया और IND मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज बोले दोस्तों सैन्य अभ्यास दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा इन ल्यूक L-56 क्या है दोस्तों। तो ये भारतीय युद्ध पोत का नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 अप्रैल को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। तो उड़ीसा राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों।
एक अप्रैल को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 26 से 31 मार्च के बीच इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 दिल्ली में संपन्न हुआ, इसके संबंध में निम्न तथ्यों पर चर्चा करें। तो उपयुक्त तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, महिला एकल वर्ग का विजेता रेटन चोक है दोस्तों, जो कि थाईलैंड की निवासी है, और पुरुष एकल विजेता दोस्तों विक्टर एक्सिलेशन है दोस्तों, विक्टर एक्सिलेशन दोस्तों। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 से रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं को पुरुष की तुलना में कितने कम प्रतिशत मजदूरी प्राप्त होती है? तो 34% कम मजदूरी प्राप्त होती है एज कंपेयर टू पुरुषों को महिलाओं से दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईसीसी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो मनु सहानी को नियुक्त किया गया दोस्तों आईसीसी के नए सीईओ के रूप में दोस्तों। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2019 दिया गया दोस्तों? तो ग्रीन बुक जो फिल्म है दोस्तों उसे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया दोस्तों 2019 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही जारी ऊर्जा नवीनीकरण रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो वन बाय वन में दोनों ही स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है, तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सेकंड ऑप्शन है, सौर ऊर्जा उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों, ऊर्जा नवीनीकरण रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नोबल पुरस्कार के लिए नामित होने वाले सबसे कम उम्र की शख्सियत कौन बन गई दोस्तों? तो ग्रेटा थनबर्ग बन गई दोस्तों सबसे कम उम्र की दोस्तों शख्सियत जिसने नोबल पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसे मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो मनु गुलाटी को सम्मानित किया गया दोस्तों मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से दोस्तों, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के मलहाम नामक विश्व की सबसे बड़ी साल्ट केव की खोज की दोस्तों? तो इजराइल देश ने किया दोस्तों मलहाम नाम की दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी साल्ट केव बोले दोस्तों नमक की गुफा की खोज की दोस्तों। अग्रिताजी पेमेंट्स के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रुस्तम ईरानी को नियुक्त किया गया दोस्तों हिताची पेमेंट्स के नए प्रबंधक के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रीलंका में निर्मित देश के पहले तापमान नियंत्रक शीत भंडारक में भारत सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई दोस्तों? तो 300 मिलियन रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की है दोस्तों श्रीलंका कंट्री को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहां पर पहला ताप शीत भंडारक यंत्र स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही 16वीं कनाडा भारत संयुक्त काउंटर टेररिज्म बैठक 2019 कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? तो ओटावा के अंदर आयोजित की गई दोस्तों कनाडा भारत संयुक्त काउंटर टेररिज्म बैठक 2019 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस कंपनी को भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में घोषित किया दोस्तों? तो पीएफसी को किया दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में दोस्तों। काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? तो अरविंद सुब्रमण्यम है दोस्तों। पुस्तक का क्या नाम दोस्तों? द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमिक पुस्तक दोस्तों।
दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया दोस्तों, तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही की कोमोरी काफ़ी चर्चा में रहा, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। दोस्तों ये एक जापानी की परंपरा दोस्तों जिसका नाम दोस्तों हिक्की कोमोरी दोस्तों, जो कि अभी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है दोस्तों, तो रघुराम राजन है दोस्तों जो उनकी पुस्तक है दोस्तों थर्ड पिलर, उनके ये लेखक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। खबरों में रहे फहा आउट के संबंध में कौन सा तथ्य सही है दोस्तों। तो शरीर में दर्द के लिए उत्तरदायी जो जीन होते हैं दोस्तों उन्हें दोस्तों फहा आउट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस समय चल रहे प्रसिद्ध ठकुरानी जत्रा और डंडानट नामक वार्षिक पर्व का संबंध किस राज्य से दोस्तों। तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है दोस्तों दोनों ही पर्व दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? ठकुरानी जत्रा और डंडा नट दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हिताची पेमेंट्स के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्तों? दोस्तों रुस्तम ईरानी को नियुक्त किया दोस्तों हिताची पेमेंट्स के नए प्रबंधक के रूप में दोस्तों। ओमान ओपन टेबल टेनिस के नाम से प्रसिद्ध सेमेस्टर 2019 ITTF चैलेंज टूर्नामेंट में किस भारतीय ने कांस्य पदक हासिल किया है? तो जी सत्यन ने दोस्तों कांस्य पदक हासिल किया दोस्तों। किस में हासिल किया दोस्तों? सेमेस्टर 2019 ITTF चैलेंज टूर्नामेंट में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो दुबई के अंदर स्थापित किया गया दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मादक नशीले पदार्थों की तस्करी और आवाजाही को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी है? तो भारत ने इंडोनेशिया के साथ ये समझौता किया दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों जो नशीले पदार्थ है उनकी तस्करी और आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में INS शिवाजी क्या है दोस्तों? तो नौसेना प्रशिक्षण संस्थान का नाम है दोस्तों INS शिवाजी दोस्तों। नोबेल पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत कौन बन गई दोस्तों? तो ग्रेटा थनबर्ग बन गई दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो मनु गुलाटी को सम्मानित किया गया दोस्तों मार्था फेरल पुरस्कार 2019 से दोस्तों। क्यों दिया गया दोस्तों? लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस देश में मलहाम नामक विश्व की सबसे बड़ी साल्ट केव बोले तो नमक की गुफा की खोज की है दोस्तों? तो इजराइल देश ने किया दोस्तों मलहाम नामक विश्व की सबसे बड़ी साल्ट गुफा की खोज की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार समुद्री जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई है जो कि अब तक का रिकॉर्ड है दोस्तों? तो समुद्री जल में दोस्तों 3.7 mm की वृद्धि हुई है दोस्तों स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में दिव्यांगों की मदद के लिए एनाजोरी पहल की शुरुआत की दोस्तों? तो असम जो लोकसभा चुनाव है उन्होंने दोस्तों दिव्यांगों की मदद के लिए दोस्तों एनाजोरी पहल की शुरुआत की है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान जो राज्य है उसने दोस्तों अपना स्थापना दिवस मनाया दोस्तों 30 मार्च को दोस्तों। रिजर्व बैंक द्वारा
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया दोस्तों डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ क्रूज सेवा शुरू कर रहा है? तो भारत बांग्लादेश कंट्री के साथ दोस्तों अपनी क्रूज सेवा शुरू कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय सांसद द्वारा पारित अनुच्छेद 13 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसमें पहला कथन दोस्तों, इसका उद्देश्य कॉपीराइटेड कंटेंट पर लगाम लगाना है। सेकंड ऑप्शन है, मुख्यतः यह सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए लागू किया गया दोस्तों अनुच्छेद 13 दोस्तों यूरोपीय संसद के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक पर स्विफ्ट नियमों की अवहेलना के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक पर लगाया दोस्तों स्विफ्ट नियमों की अवहेलना करने पर दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताइपे में आयोजित 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो उपयुक्त दोनों ने हासिल किया दोस्तों 12 मीटर एशियाई एयर गन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में दोस्तों, जो कि कहां पर आयोजित हुई दोस्तों, ताइपे में आयोजित हुई थी दोस्तों, और कितने मीटर की एयर प्रतिस्पर्धा थी दोस्तों 10 मीटर की दोस्तों। क्वीन ऑफ फोक अवार्ड से सम्मानित अनुसूर्या देवी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये एक लोक कलाकार दोस्तों अनुसूर्या देवी, जिनका अभी निधन हो गया दोस्तों, और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला हुआ दोस्तों, क्वीन ऑफ फोक अवार्ड इन्हें मिला हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों नॉर्वे जो कंट्री है वो बन गया है दोस्तों वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने वाला स्टेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? तो के गोविंद राज को चुना गया दोस्तों बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे कर्नाटक लोकसभा चुनाव के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गिरीश गोंडा को नियुक्त किया गया दोस्तों। हाल ही लॉन्च इंडियन फिक्सल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? तो वाई वी रेड्डी दोस्तों इंडियन फिक्सल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे बोडले अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो अमृत्य सेन को सम्मानित किया गया दोस्तों बोडले अवार्ड 2019 से दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही प्रवासी भारतीय को दिया जाने वाला सर्वोच्च प्रवासी सम्मान 2019 किसे दिया गया दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र जोशी को दिया गया दोस्तों सर्वोच्च प्रवासी सम्मान 2019 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश में सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया दोस्तों सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए दोस्तों गेल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही निम्न में से कॉफ़ी के किस किस्म को भौगोलिक संकेत बोले तो दोस्तों GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो उपयुक्त सभी को दिया गया दोस्तों GI टैग दोस्तों। तो वन बाई वन मैं सभी के नाम आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है कुर्ग अरेबिका, सेकंड ऑप्शन है बाबू बुंद गिरीस, थर्ड ऑप्शन है चिकम गलूर अरेबिका, फोर्थ ऑप्शन है हरकू वैली अरेबिका। तो इन सभी को दोस्तों GI टैग दिया गया दोस्तों। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे जीवन
बीमा निगम, बोले तो LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो MR कुमार को नियुक्त किया दोस्तों LIC का नया चेयरमैन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन शक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों मिशन शक्ति से रिलेटेड दोस्तों। तो वन बाय वन में सारे स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुना देता हूँ दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है यह DRDO और इसरो का संयुक्त मिशन है। सेकंड ऑप्शन है इसके तहत स्वदेशी मिसाइल ASAT का सफल परीक्षण किया गया। थर्ड ऑप्शन है ASAT मिसाइल का उपयोग अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है इस तरह का परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। तो मिशन शक्ति से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किस देश द्वारा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टॉमी स्लॉब से नवाजा गया है? तो क्रोएशिया जो कंट्री है उनके द्वारा नवाजा गया दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो नंदन नील लेकणी समिति का गठन किया दोस्तों डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत किस पड़ोसी देश के साथ क्रूज सेवा शुरू कर रहा है? तो भारत बांग्लादेश के साथ दोस्तों अपनी क्रूज सेवा शुरू कर रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लोकपाल चयन समिति ने देश के प्रथम लोकपाल के रूप में किसका चुनाव किया है दोस्तों? तो पिनाकी चंद्र घोष का किया है दोस्तों पहले लोकपाल के का चुनाव दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल शिक्षा पहल को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अफगानिस्तान के साथ ये समझौता किया दोस्तों जिसके तहत दोस्तों डिजिटल शिक्षा पहल की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रैंड पी का खिताब जीत लिया है? तो वोल्टरी बोटास ने जीत लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रैंड पी का पुरस्कार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा विजित क्या है दोस्तों? तो विजित क्या है दोस्तों भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम दोस्तों विजित। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केपटाउन में आयोजित लेडीज यूरोपियन टूर 2019 जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई है? तो दीक्षा डागर बन गई है दोस्तों लेडीज यूरोपियन टूर 2019 जीतने वाली महिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2017-2018 में कुपोषण की दर कितनी है? तो 34.70% दोस्तों कुपोषण की दर दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, KT इरफान 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो KT इरफान क्या है दोस्तों एक धावक है दोस्तों जो कि 2020 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसलिंग द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस गेंदबाज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जसप्रीत बुमराह को प्राप्त हुआ दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसलिंग द्वारा जारी जो वनडे रैंकिंग की जो टॉप बल्लेबाज है यानी कि जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है उसका नाम दोस्तों जसप्रीत बुमराह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेरिट डी मेंटे का 74 वर्ष की आयु में
निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों, डेरिल डी मिंटे एक वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों, जिनका कि 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही संपन्न स्विस ओपन 2019 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। पुरुष एकल का खिताब शी युकी को मिला और महिला एकल का खिताब चेन युफेई को मिला। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य की है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना दोस्तों। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया दोस्तों, तो उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 अप्रैल को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एमीसेट सैटेलाइट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त सभी कथन सही है दोस्तों। तो वन बाय वन में सारे स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों, एमीसेट सैटेलाइट से रिलेटेड दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट है, इसका प्रक्षेपण पीएसएलवी C-45 द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया। सेकंड ऑप्शन है, ईएमआई सेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्वदेशी उपग्रह है। थर्ड ऑप्शन है, इसी के साथ पीएसएलवी C-45 द्वारा अन्य 28 विदेशी उपग्रह भी लॉन्च किए। फोर्थ ऑप्शन है, ईएमआई एसएटी का कार्य सीमा पर निगरानी करना है। तो एमीसेट से रिलेटेड ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 सरकारी बैंक विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में 1 अप्रैल से लागू हो गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक का दोस्तों विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में लागू हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही 5G और गीगाबाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो शंघाई बन गया दोस्तों पहला शहर दोस्तों, जिसने 5G बोले तो 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया दोस्तों, और गीगाबाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जुजाना कापुतोवा को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो स्लोवाकिया जो कंट्री है उसकी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया दोस्तों जुजाना को दोस्तों। हाल ही खबरों में रहा भोंगा का क्या है दोस्तों? तो भोंगा दोस्तों एक प्रकार का मोबाइल ऐप है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसने सुल्तान अजलन शाह कप 2019 जीत लिया दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया ने जीत लिया दोस्तों सुल्तान अजलहन शाह कप 2019 दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा सीट पर ईवीएम की जगह मतदान के लिए बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा दोस्तों? तो निजामाबाद में किया जाएगा दोस्तों ईवीएम की जगह दोस्तों बैलेट पेपर का यूज किया जाएगा दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव में दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका कि दोस्तों आपको आंसर कमेंट के माध्यम से देना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य की दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है दोस्तों तो उसे कमेंट में टाइप कीजिए दोस्तों। और आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों।